नमस्कार दोस्तों, आज हम लाए हैं बहुत ही अच्छे टिप्स जो कि आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। ये देखिए ऐसे टिप्स जो आपके किचन में बहुत ही काम आने वाले हैं। आज की टिप्स हमारी इस तरह बेलन से है कि शाम को हम जब खाना बना के बेलन को धुल के रखते हैं तो बहुत से कीड़े इसमें आते हैं, किचन में टच करते हैं इसको, जैसे कॉकरोच, छिपकली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पन्नी लेंगे इस तरह। इस तरह पन्नी हमारे घर में बनी ही रहती हैं और बेलन को इस तरह हम रखेंगे। ये देखिए इस तरह लपेट के अच्छे से एक जगह रख देंगे तो इससे क्या होगा, कोई भी कीड़े इसे टच नहीं कर पाएंगे। अगली टिप्स हमारी देखिए इस तरह बोतल से है। तो ये बोतलें हमारी बहुत ही यूज में आती रहती हैं। इसका हम ऊपर का ये निकाल देंगे, ये देखिए इस तरह। तो ये हमने निकाल लिया है। उसके बाद हम चाकू लेंगे, थोड़ा सा गर्म किया है हमने इस तरह यहाँ पे इसमें, ये देखिए इस तरह हम लंबाई में होल कर देंगे इस तरह। ये कट कर दिया हमने, तो ये देखिए इस तरह। तो ये देखिए अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं। अगर घर में गुल्लक नहीं है तो इस तरह आप गुल्लक बना सकते हैं और मनी सेविंग कर सकते हैं। बच्चों को सिखाएं तो बच्चों की आदत डालेंगे। तो इसी तरह ये देखिए हम इसमें पैसे डाल देंगे, ये देखिए इस तरह। तो ये देखिए इसमें आराम से पैसे चले जाएंगे और निकलेंगे भी नहीं। ये देखिए खोलेंगे तो इसे ढक्कन से निकलने वाले नहीं है। तो जब भी ये बोतल भर जाए उसे काट के आप निकाल सकते हैं और इस तरह आप होममेड गुल्लक बना के बच्चों को दे सकते हैं। ये देखिए अगला टिप्स हमारा इस तरह प्याज से है कि गर्मियों में हम जब भी प्याज छीलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, ये छिलके उड़ते हैं और आँख में भी लगते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए एक कटोरी में पानी रख लेंगे जब भी प्याज छीलेंगे और इसे हम जब काटेंगे इस तरह, ये देखिए इस तरह डालते जाएंगे इसमें। तो ये हमारे आँखों में भी नहीं लगेंगे और उड़ेंगे भी नहीं जब पंखे की हवा में हम बैठेंगे, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में पंखे की हवा में आप आराम से छील सकते हैं। ये देखिए इस तरह डालते जाएंगे और आँखों में भी बिल्कुल नहीं लगेंगे। बहुत ही अच्छी टिप्स है, ये ज़रूर अपनाएं। ये देखिए इस तरह बिल्कुल भी उड़ेंगे नहीं, एक जगह ये पानी में रखे रहेंगे। अगला टिप्स हमारा इस तरह केले से है कि केले जब भी हम लाते हैं अगर कच्चे हैं थोड़े से भी तो उसका हम इस तरह प्रयोग कर सकते हैं, अच्छे से घर में पका के खा सकते हैं। अभी तो ये बहुत ज़्यादा पके हैं लेकिन हम आपको टिप्स बता रहे हैं तो इसलिए। ये देखिए ये चावल लेंगे, चावल में हम केले को इस तरह रख देंगे ऊपर से, अच्छे से चावल को इस तरह डाल देंगे और आप देखेंगे दो तीन दिन बाद केले अच्छे से ये पक के तैयार हो जाएंगे। ये टिप्स बहुत ही अच्छी है, आप आजमा के देखना, बहुत ही कारगर है।